हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के ये डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। आज मंडे 17th मई एंड वी आर ब्रिंगिंग वन ऑफ द वेरी यूनिक करंट अफेयर मॉड्यूल। दोस्तों, हमारा ये करंट अफेयर का मॉड्यूल इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन लॉ रिलेटेड करंट अफेयर। दोस्तों, हम दुनिया में क्या चल रहा है वो तो बात जरूर करेंगे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर हैज टू बी अ डेली करंट अफेयर स्पेसिफिक टू लॉ स्टूडेंट्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर ब्रिंगिंग दिस टू यू। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर का मॉड्यूल आप जब करेंगे तो आपको तीन सेक्शन में मदद होगा। ऑब्वियसली लीगल सेक्शन में मदद होगा, करंट अफेयर में मदद होगा, और ऑब्वियसली इंग्लिश दैट इज आरसी में बहुत मदद होगा। सो दोस्तों, इसके साथ आपको एक रीडिंग कंटेंट मिलता है। ये रीडिंग कंटेंट जनरली उन चीजों पे फोकस करता है जिसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। ओके, सो इट इज नॉट जस्ट द काइंड ऑफ दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स विच यू हैव टू रीड, बट यू आर गोइंग टू रीड लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। यस, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट टुडेज सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्लैट 2022 का जो ऑनलाइन कोर्स है वो दोस्तों चालू हो चुका है। जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू बिकॉज दिस कोर्स इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज व्हेन यू गो फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स क्लैट 2021 देना चाहते हैं, हालांकि अभी एग्जाम थोड़ी डिले हो चुकी है, ये सुनो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम एंड ज्वाइन विद दिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज। सो वी हैव टू कोर्सेस, वन फॉर द स्टार्टर्स हु हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और हु विशेस टू नो एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, एंड देयर आर पीपल हु आर एट एडवांस स्टेज, फॉर देम देयर इज अ डिफरेंट कोर्स। ओके, अचीवर्स स्पार्क इज फॉर देम, स्टार्टर कोर्स इज फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस सेक्शन 301 हियरिंग व्हिच इज हैपनिंग इन यूएसए। सो यू मे बी आस्किंग, सर कुछ चीजें यूएसए में हो रही है, हम उसको भी पढ़ेंगे क्या? ना जी, ऐसा नहीं है, पर कनेक्टेड है इंडिया के साथ तो पक्का पढ़ेंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक मजेदार सा सिस्टम चालू किया था जिसका नाम दिया गया डिजिटल टैक्स। दोस्तों, यह डिजिटल टैक्स पॉपुलरली नोन एज गूगल टैक्स और इट इज ऑल्सो नोन एज फैंग टैक्स, ये सुनो। सो दोस्तों, ये जो फैंग इकोनॉमी है, व्हाट इज दिस फैंग इकोनॉमी? फेसबुक, एप्पल, Amazon, Netflix, Google, they are becoming large, है ना? And mostly, what is happening in this digital world? Their companies are situated outside the country. For example, let's say India के बारे में बात करें, so these are the majority of the US-based companies, ठीक है? और इनका headquarter USA में, इनका office India में है ही नहीं, ज़्यादातर सब चीज़ें वो वहीं से manage करते हैं, ये सुनो, ठीक है? पर फिर भी इंडिया से इनकी कमाई ज्यादा है, ठीक है? एंड देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट वांट्स दैट दे मस्ट पे टैक्स टू इंडिया। ओके, सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज इक्वलाइजेशन लिवाइव। क्या बोलते हैं इसको? इक्वलाइजेशन लिवाइव या डिजिटल टैक्स बोलते हैं, ठीक है? सो इंडिया ने करीबन जून 2020 में इसको प्रपोज किया था दैट दी कंपनीज, ऐसी कुछ कंपनियां जिनका इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा है एंड देयर टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, ठीक है, तो इन कंपनियों को हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है? कितना टैक्स लगाएंगे? करीबन 2% का टैक्स लगेगा, ऐसा इंडिया ने बोल दिया, प्राइमरली फॉर ई कॉमर्स प्लेयर्स, ठीक है? ई कॉमर्स प्लेयर्स। दोस्तों, इन इन ई कॉमर्स प्लेयर्स के अंदर कौन इन्वॉल्व होगा? ऑब्वियसली गूगल, ओके, एमेजॉन, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो इंडिया ने इक्वलाइजेशन रिवाइव या डिजिटल टैक्स तो लगा दिया, ठीक है? दोस्तों, बात तो सही है, इंडिया लगा सकता है क्या? हाँ, इंडिया लगा सकता है, कौन उसको ना बोल सकता है भाई? पॉसिबली WTO ये बोलेगा कि भाई रुको एक मिनट, WTO का काम है कि पूरे वर्ल्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, पूरे वर्ल्ड में सभी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर कोई कंट्री
किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो ये आर्बिटरी गिना जाएगा, इट इज नॉट फेयर प्लेइंग वर्ल्ड ऐसा नहीं माना जाएगा, लेवल प्लेइंग वर्ल्ड ऐसा नहीं माना जाएगा, और इसलिए WTO उस कंट्री को रोकेगा कि भाई साहब तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ग्रेट, बट कैन अ कंट्री लाइक इंडिया डू दिस काइंड ऑफ थिंग? भाई ऑब्वियसली इंडिया कैन डू दैट। अगर इंडिया ऐसा करता है, व्हाट लीगल ऑप्शंस, ठीक है, द अदर कंट्री हैज? अगर कोई कंट्री ने इस तरीके से रूल बनाया एंड अ स्पेसिफिक कंट्री इज गेटिंग अफेक्टेड, इन दिस केस इट इज USA, USA इज गेटिंग अफेक्टेड, अगर USA अफेक्ट होता है, व्हाट लीगल इश्यूज, यू कैन से लीगल प्रोविजंस USA हैज? दोस्तों USA के पास मजेदार से लीगल प्रोविजंस है। USA बोल सकता है कि भैया आप हमारी कंपनियों को टारगेट करके चलते हो, सो इन रिटालिएशन वी आर गोइंग टू पुट सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेशन ऑन यू। ओके, सो बाय डूइंग दैट दे स्टार्टेड पुटिंग टैक्सेशन ऑन बासमती, दैट इज एक्सपोर्टर्स ऑफ बासमती, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील, सी फूड इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। ठीक है, विच मीन्स व्हेन फ्रॉम इंडिया वी आर सेलिंग राइस और सी फूड टू अमेरिका, द टैरिफ विल बी हाई, इन टर्न द प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर। यस नो, दिस इज व्हाट USA इज डूइंग। दिस एंटायर डिस्कशन इज हैपनिंग इन USA। एक तरफ इंडियन एक्सपोर्टर का ग्रुप है, दूसरी तरफ USTR है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके बीच में ये लड़ाइयां चल रही है। ठीक है, देखते हैं इसका आउटकम क्या आएगा। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि डिजिटल टैक्सेशन की वजह से जो आप रिटालिएशन करते हो, दे आर इंपैक्टिंग सम अनरिलेटेड फील्ड्स, सो व्हेन दे आर इंपैक्टिंग अनरिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है, इट इज नॉट फेयर, एंड इन टर्न द US कंज्यूमर्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ऑब्वियसली the exporters from India are getting affected, but they are also saying that this is going to create a lot of big impact on the consumers of America as well. ठीक है, so and what we are doing, that is India is doing, is fair with respect to WTO. Okay, this is what the idea is. However, according to section 301, US president has a power to put such kind of restrictions or put sanctions or increase the tariff. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, डिजिटल टैक्स समझ में आया? क्या डिजिटल टैक्स था कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, जब इंडियन प्लेयर्स इंडिया के लोगों का ही डेटा यूज करते हुए अपनी कमाई करते हैं, ठीक है, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू टैक्स देम, दैट इज कॉल्ड डिजिटल टैक्सेशन। गूगल मतलब बहुत कमाई करता है। कैसे कमाई करता है? हमारे डेटा उसके पास पड़े हैं और हमको ही वो डेटा यूज करके हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट लगाता है। उसका ऑफिस इंडिया में नहीं है, मानो जो इंपॉर्टेंट ऑफिस चाहिए कि भाई उसकी इनकम इंडिया से हो, उस तरीके से कोई इनकम इंडिया से नहीं हो रही है, मतलब वो इनकम टैक्सेशन के अंदर आता नहीं है। ठीक है, पर इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू अर्न मनी थ्रू इंडियन पीपल ओनली। यस नो, सो देयरफॉर गवर्नमेंट सेज वी वांट मनी। डिजिटल से टैक्स बोलेंगे इसको, या इक्वलाइजेशन लिवाई बोलेंगे, या गूगल टैक्स बोलेंगे, या फैंग टैक्स बोलेंगे, आपको जो नाम बोलना है बोल सकते हैं। दिस इज हाउ द आइडिया इज। आई होप द सेंटर आइडिया इज वेरी क्लियर। ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, एक मजेदार सा केस आया दोस्तों इंडिया में। ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने मजेदार सी चीज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने एक मजेदार सी चीज इसे सेटल करी। क्या केस आया दोस्तों? केस ये था कि जब कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन होता है तो जो भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, कोई SSC है, ठीक है ना, उसका अकाउंट रिसीवेबल्स है, मतलब ये पैसे तो आने वाले हैं, ये सुनो, ठीक है, ये पैसों के ऊपर टैक्स, ठीक है, कितना टैक्स? ठीक है दोस्तों, अकाउंट रिसीवेबल, अगर हम बात करें अकाउंटिंग टर्म में, सो अगर हम कैश बेस्ड सिस्टम पे बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल जिस साल में होगा उस साल के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। चलिए, बात तो बराबर है, बहुत बार अकाउंट रिसीवेबल कुछ सालों के बाद मिलता है, ये सुनो, तो उन सालों में ठीक है, कंपनी को कोई ना कोई तरीके से बेनिफिट तो हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? शायद वो अकाउंट रिसीवेबल कुछ सालों के बाद ले, उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट तो लगेगा,
ये सुनो, इनकम टैक्स वाले ऐसा बोलते हैं कि आपका अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक नोशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, के बेसिस के ऊपर ये अकाउंट रिसीवेबल मानो 100 करोड़ का है, ठीक है, तो आपने इसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट कमाया, ये सुनो, और उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम टैक्स लेना चाहेंगे आपसे, विच इज फेयर, सही बात है, ये सुनो, अकाउंट रिसीवेबल कोई भी कंपनी अगर कुछ समय के बाद लेने वाली है तो मतलब ऐसा तो नहीं करेगी कि कोई भी चार्ज लिए बगैर उनसे लेगी, कोई ना कोई तरीके से उसके पीछे उनका इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन तो होगा ही होगा, ये सुनो, विच इनकम टैक्स ऑल्सो बिलीव इन दैट वे, अदरवाइज लोग क्या करते जाएंगे, अपने अकाउंट रिसीवेबल डिले 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 करते जाएंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है वी आर गोइंग टू चार्ज मनी ऑन योर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट लगाकर, ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट क्या लगाए, वेदर दिस इज अ PLR विच इज अ प्राइम लेंडिंग रेट हैपनिंग इन द कंट्री और सम इंटरनेशनल रेट which is known as LIBOR. Okay, what is LIBOR? You can say London Interbank Offer Rate. LIBOR is a rate दो बैंकों के बीच में होता है, एक बैंक दूसरी बैंक से इंटरनेशनल मार्केट में लोन लेती है टेम्पररी, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए, उसके ऊपर जो उनको टैक्स मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड LIBOR, ठीक है, ये इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा ड्रिवन होता है. PLR depends on individual bank. हर एक बैंक का अपना प्राइम लैंडिंग रेट होता है. What is प्राइम लैंडिंग रेट? अगर एक SBI है, ठीक है, वो अगर मानो मुकेश अंबानी को लोन देती है, ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी इज अ प्राइम कस्टमर, ठीक है, उनको शायद कम रेट में लोन दे, और पीपल लाइक यू एंड मी वी आर नॉट प्राइम कस्टमर टू देम, उनको वो एक इनसे ज्यादा रेट पे लोन दे, ये सर नो. सो PLR इज द मिनिमम रेट एट विच दे आर गिविंग लोन, ठीक है. सो यहां पे कोर्ट ने बोल दिया दैट व्हेन देयर इज अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट लगेगा, और वो लगेगा PLR पे नहीं लगेगा, वो लगेगा LIBOR के ऊपर, LIBOR के ऊपर लगेगा, ये उन्होंने सेटल कर दिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुनो, अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू विच इज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अ पेप्सी फूड केस. दोस्तों पेप्सी का एक महत्वपूर्ण केस यहां पे चल रहा है ना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. पेप्सी फूड्स और इनकम टैक्स के बीच में ये लड़ाई चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड एन इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ हाउ लॉन्ग अ स्टे ऑर्डर अगेंस्ट एन असेसमेंट ऑर्डर इज वैलिड. यू नो वन इज कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर, अदर इज कॉल्ड अ स्टे ऑर्डर. व्हाट इज असेसमेंट ऑर्डर? Assessment order is coming from income tax. Income tax authority, company या SSC को बोलती है that we want to assess your income. Okay, and thereby we will arrive at what is your income tax. ठीक है, this is called assessment order. उस assessment order में SSC can go to the court and say ये लोग गलत तरीके से मेरे पीछे पड़े हैं, stay लगा दीजिए. So that is called stay order. कि भैया income tax अगर सही तरीके से आपके पीछे नहीं पड़ा है, अगर कोई गलत तरीके से पड़ा है, तो आप उसको रोक सकते हो. ये सुनो, बाय स्टे ऑर्डर, ठीक है. तो और स्टे ऑर्डर का पहला स्टैट्यू क्या था? स्टे ऑर्डर इज वैलिड फॉर 182 डेज, ठीक है. एन एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन मतलब अप टू 365 डेज, ठीक है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ दिस इनिशियल स्टे ऑर्डर, ठीक है. एंड टैक्स पेयर वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज the stay gets automatically vacated even in the cases where they are not responsible for the delay. कितने दिन चलने वाला था? 182 days. Yes or no? ठीक है, stay order. तब तक stay order के दौरान ये जो assessment order था उसके सामने company को income tax वाले के साथ बैठकर कुछ चीजें settle कर देनी है. कभी कभार income tax authorities की डिले की वजह से है ना ये 182 डे चले जाते थे, और ऑटोमेटिकली ऐसा होता था कि अगर 182 डे चले गए तो स्टे ऑर्डर चला गया, और इनकम टैक्स वाले जो बोलते थे कि असेसमेंट ऑर्डर है, हम आपकी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको असेस करना चाहेंगे. यस नो? सो दैट इज व्हाट विल बी प्रिवेलेंट. सो टैक्स पेयर्स वर नॉट हैप्पी, ठीक है, दे सेड कि ये लोग जानबूझ के डिले करते रहते हैं और हम फंस जाते हैं. यस नो? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, दैट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑटोमेटिक वैकेशन ऑफ द स्टे विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द अपील बिफोर द ट्राइब्यूनल इज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स पेयर. ये जो डिले हुआ वो अगर टैक्स पेयर की वजह से हुआ तो आप उसको वैकेट कर सकते हैं स्टे ऑर्डर को, अगर उसकी वजह से नहीं हुआ तो ये एक्सटेंड हो सकता है. सो ये टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात हुई. ये सुनो, चलिए मजेदार सी चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों. एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है यहाँ पे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि शुड वी गो फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग. दोस्तों ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग की दुनिया क्या है समझते हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है और किस तरीके से ये प्रॉब्लम इंडिया का क्रिएट हो रहा है. दोस्तों इंडिया में आज की तारीख में वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन. ये सुनो, इंडिया में सिर्फ दो प्लेयर है वैक्सीन बनाने वाले. एक इंडिया का खुद का बनाया हुआ वैक्सीन विच इज नोन एज कोवैक्सीन, ओके, ठीक है, विच इज इंडिया में बनता है, इंडिया का ही सब कुछ पेटेंट है, ठीक है. तो अब इसमें बनाता कौन है? भारत बायो एंड टेक, ओके. वाइल एक फॉरेन कंपनी का, ठीक है, एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, ठीक है, विच इज नोन एज कोविशील्ड, उसका लाइसेंस, ठीक है, किसके पास है? सेरम इंस्टीट्यूट के पास है, ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट के पास इसका लाइसेंस है, ठीक है, और वो लाइसेंस के बेसिस के ऊपर यहां पे मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है. दे हैव टू गिव रॉयल्टी टू एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. उनको 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 क्या देना पड़ेगा? सीरम वाला एस्ट्राजेनेका वाले को क्या देगा? एक तरीके से लाइसेंस फी देगा और रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है. चलो ग्रेट. अब हम चाहते हैं कि और ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है. हमने कोशिश करी कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हमने इंडिया में और तीन कंपनियों को दिया, ओके. कौन सी? एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है विच इज नोन एज कैसे हेफ्टकाइन, विच इज महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, बराबर है. फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड विच इज हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो NDDB संभालती है. ये सुनो, ठीक है, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अपना एक इम्यूनोलॉजिकल कंपनी है. अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एनिमल्स के लिए तो कुछ इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम करेगी ना, ठीक है, तो वो काम करेगी. ये सुनो, और उसके अलावा एक है जैसे भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल ऐसे करके एक कंपनी है, ठीक है. तो ये इन लोगों को इन्होंने ये कोवैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया है. ये लोग अभी कुछ समय पे बनाना चालू करेंगे, ठीक है. दोस्तों लीगल एस्पेक्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है. आपको मैंने एक क्लास में बताया था ट्रिप्स, WTO के अलग अलग एग्रीमेंट्स है, ठीक है. एक है GATT जो टेरिफ्स के ऊपर जैसे एग्रीमेंट है, ठीक है. एक सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए GATS करके है. ट्रिप्स इज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्स, ओके. दैट्स अ ग्लोबल एग्रीमेंट. उस ट्रिप्स के द्वारा, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जब आप इसे बिजनेस करते हो, ग्लोबलाइजेशन का दुनिया जहां पे एक सामान एक कंट्री में बना है पर वो दूसरी कंट्री में बेचना चाहता है, ठीक है, तो वहां पे भी उसको अपने सामान का, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए. एप्पल वाले ने अमेरिका में एप्पल बना दिया, अब इंडिया में अगर उसको बेचना है तो उसको एप्पल के लोगो और एप्पल के ब्रांड नेम का प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, नहीं तो कल उठकर आप और मैं एप्पल की कंपनी चालू कर दे. ये सुनो, ठीक है, अगर उसको हम इंडिया में प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आप और मैं एप्पल की कंपनी चालू कर और एप्पल बना के बेचना चालू कर सकते हैं. एप्पल वाला दुखी होगा कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों को रखता हूँ, मेहनत से टेक्नोलॉजी बनाता हूँ, मेहनत से सामान बना के लोगों को देता हूँ और लोग ऐसे ही इंडिया में ऐसा काम कर देते, गलत बात है. ये सुनो, ठीक है, तो वो दुखी होगा. दुखी होगा तो वो अपने देश में, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट साहब को बोलेगा कि भाई साहब आप इंडिया के साथ बिजनेस ना करें, और वो फिर वहां का प्रेसिडेंट इंडिया से खफा हो जाएगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, फिर इंडिया की कंपनी, ठीक है, TCS जो वहां पे सॉफ्टवेयर बेचती है, ये सुनो, उसको दिक्कत करेगा, इंफोसिस को दिक्कत करेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को दिक्कत करेगा, टाटा का कैसे लैंड रोवर जगुआर को दिक्कत करेगा, प्रो टैलेंट को दिक्कत करेगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है. ये सुनो, ये सब परेशानियां तो हो ही सकती है ना, ठीक है. तो ये है ट्रिप्स का दुनिया, ठीक है. अब ऐसी लड़ाइयां अंदर अंदर ना हो उसकी वजह से क्या दे दिया भैया WTO.
WTO बोलता है कि हम आपको बताएंगे क्या रूल्स होंगे, ठीक है, पर कभी कभार प्रॉब्लम ये होता है कंपनियों को, सॉरी कंट्रीज को, कि हमारे यहाँ पे हालत खास्ता है, हमारे यहाँ पे लोग बहुत बड़ी परेशानी में है, वी नीड दिस वैक्सीन एंड इफ वी डू नॉट अलाउ दिस वैक्सीन इमीडिएटली, ठीक है, ओके, हम इन वैक्सीन को और इन दवाइयों को जल्द से जल्द इंडिया में नहीं लेकर आएंगे और लोगों तक सस्ते दाम पे नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी हालत खराब हो जाएगी, और इसीलिए बींग अ सोवरेन नेशन वी हैव अ पावर टू अगेन से अलाउ दिस कंपल्सरी लाइसेंसिंग. आप यूएसए की कंपनी हो, आप इंडिया को लाइसेंस वैसे देना नहीं चाहते हो क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी आपकी मैच नहीं हो रही है, पर एज अ पावरफुल सोवरेन नेशन आई विल फोर्स यू टू गिव कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू अवर यू कैन से कंट्री. यस, ठीक है, हमारे यहां पे लोगों को कंपल्सरी लाइसेंसिंग दीजिए, ऐसा हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, चलिए ग्रेट. इसका हिस्टोरिकली जो इंडिया में सबसे पहला केस हुआ था, ठीक है, वो हुआ था बेयर कंपनी का. बेयर का एक कैंसर का ड्रग होता था, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग बोल सकते थे इसको, जो करीबन से टोटल अगर उसका डोज, अगर एक महीने का डोज अगर हम माने, ठीक है, वो होता था करीबन 280,000 का, ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट को उस समय पे काफी जरूरत थी, सो उन्होंने नेटको करके कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंसिंग के द्वारा वो दवाई बनाने का बोला, जो 8,800 रुपये में बन गया. ये सुनो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के द्वारा 8,800 रुपये का नेटको बना देता है और उसके लिए लोगों को 280,000 देने पड़ते थे. ये सुनो, ठीक है, सो दिस इज गुड. पर दोस्तों, ये हर बार ऐसा नहीं कर सकते. ये सुनो, हर बार ऐसा करेंगे तो जो कंट्रीज में और जो कंपनियां इस तरीके की दवाइयां बनाती है उसको क्या मोटिवेशन रहेगा कि हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों अच्छी तरीके से ये सब काम करें. ये सुनो, ठीक है, सो दोस्तों, देयर आर कंडीशंस, ठीक है, कि क्या बेसिस के ऊपर हम ऐसा कर सकते हैं. कंडीशन नंबर वन, जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू दोस कंडीशंस फॉर यू. कंडीशन नंबर वन, दैट इट इज रीजनेबली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पब्लिक, इट इज रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, ओके, कि भाई लोगों को वो दवाई की ज्यादा जरूरत है. ये सुनो, दिस इज कंडीशन नंबर वन, ठीक है. नंबर टू, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है, ओके, द पेटेंटेड प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस. ये सुनो, ठीक है, मजेदार सा पॉइंट है ये दोस्तों. और तीसरा है, ठीक है, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये इन्वेंशन जो भी आपने किया है, ठीक है, वो इंडिया की टेरिटरी में अभी तक नहीं है. ये सुनो, सो अब इंडिया अगले पॉइंट पे सोच रहा है कि हम अलग अलग तरीके की दूसरी वैक्सीन कंपल्सरी लाइसेंसिंग के द्वारा इंडिया में बनाना चालू करें या ना करें. ठीक है दोस्तों, इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग के द्वारा काम कर दें, ठीक है, या हम ये लाइसेंस देकर स्लो पाथ पे जाए. एक पाथ है बहुत तेज, दूसरा पाथ है बहुत स्लो. ये सुनो, स्लो करेंगे, रूल के मुताबिक जाएंगे. ये सुनो, ठीक है, हम अलग अलग कंट्रीज के सामने अच्छे दिखेंगे, उनका बुरा दिखेगा नहीं, ठीक है, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे ऐसा दिखेगा, ठीक है, और पर उससे हमारे देश का नुकसान होगा. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग करेंगे, ठीक है, तो हमारे देश के लोगों का भला होगा, नुकसान होगा बिजनेस में, ट्रेड में. ठीक है, तो अब सरकार एक ऐसे सोच रही कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, क्या करे. सरकार ने बोला हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे, ठीक है. अब इसी के ऊपर सवाल पैदा हो रहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, सरकार को कंपल्सरी लाइसेंसिंग करना चाहिए और जल्द से जल्द ये वैक्सीन देश में लेके आनी चाहिए. ठीक है, अभी सरकार ये सोच रही है कि अमेरिका, ज्यादातर वैक्सीन अमेरिका से, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट साहब है वो हमारे दोस्त है नहीं. ये सुनो, और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर लोग बैठे जैसे कमला हैरिस या ऐसे सब लोग है, हालांकि तो इंडियन, इंडियन ओरिजिन के, पर इंडियन तो है नहीं. ये सुनो, फालतू में हम लोग खुशी हो रहे थे कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई. कुछ किया क्या उन्होंने अपने लिए? जब हमें दवाइयां चाहिए तब उन्होंने कुछ काम किया क्या? कुछ नहीं किया.
ठीक है, तो रूल होना चाहिए हमारा कंट्री फर्स्ट, बाकी सब बाद में, सिंपल सा गणित है, यस नो। इंडिया को ये कर देना चाहिए, हालांकि मोदी साहब के ऊपर डिपेंड होगा क्या करें। चलिए ग्रेट, हम बात करेंगे दोस्तों आज डीएनए बिल के बारे में। आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपके लिए मजेदार सा न्यूज़पेपर आर्टिकल लेकर आए हैं, ज्यादातर वो लीगल एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो ऐसा रैंडम नहीं है कि अखबार में जो भी आ गया हम आपके लिए लेके आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज सो समझ के आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठा के लाए दोस्तों। इंडिया का जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, इंडिया का क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज एडवर्जेरियल, ठीक है। कैसा सिस्टम है? एडवर्जेरियल सिस्टम, ओके, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें दो पार्टीज होती है, बराबर है। वो दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस, अपने अपने आर्ग्यूमेंट देखते हैं, और जज जो होते हैं, ठीक है, जो जज साहब होते हैं वो कोई तरीके से इंटरवेंशन नहीं करते हैं। जज का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, इंडिया का एडवर्जेरियल सिस्टम होता है। दूसरी सिस्टम्स होती है जिसके अंदर जज साहब इंटरवीन कर सकते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं, यस नो, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। विच मींस जो भी किसी को प्रूव करना है कि भैया ये सही है या गलत है, ठीक है ना, ये जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है, तो उनको रिलाई करना पड़ता है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या चीजें प्रूव करी या डिफेंडर ने क्या चीजें प्रूव करी। जज साहब को बस उसी के ऊपर डिपेंड रहना होता है, इसीलिए इंडिया की कानून की देवी के ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, ये सुनो। तो इंडिया के जज साहब, दे आर नॉट इंटरवीनिंग, दे आर नॉट चेकिंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे बिलीव एवरीथिंग ऑन द प्रूफ बीइंग प्रोवाइडेड इधर बाय प्रोसिक्यूटर और बाय द डिफेंडेंट, ठीक है। दे डोंट अप्लाई देयर माइंड, है ना, ठीक है, मतलब दे डोंट अप्लाई देयर रिसर्च, दे डोंट अप्लाई कि मैं भी इसको ढूंढ के लाता हूं क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं सोचेंगे। जो प्रोसिक्यूटर ने प्रूव किया या डिफेंडेंट ने प्रूव किया वो बात वो मानेंगे। चलिए बात तो सही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल जो आजकल हो रहा है, ठीक है, ज्यादातर क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जब एविडेंसेस प्रूव करने के बारे में बात होती है तो फॉरेंसिक सिस्टम इंडिया में आजकल ज्यादा से ज्यादा डीएनए पर रिलाई करने लगी है। यस नो, आई एम श्योर यू नो डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जीन्स है ना का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर रखती है, ठीक है, हमारे अंदर किस तरीके के क्रोमोसोम्स है, क्या जीन्स है ना, उसका पूरा गणित है। सो कोई मौका है वारदात के ऊपर कभी कोई क्रिमिनल का बायोलॉजिकल पार्ट वहां पे छूट गया, कोई छोटा सा कोई मतलब से सलाइवा निकल गया या से बाल निकल गया या कोई से खून का कोई बूंद रह गया, है ना, सो दे आर एबल टू कैप्चर दैट एंड दे आर यूजिंग डीएनए मैपिंग और उसके द्वारा उस आदमी को पकड़ा जाता है, यस नो। हालांकि इंडिया में डीएनए के ऊपर रिलायंस बहुत बढ़ने लगा था, पर उसके सामने जो एक पैरेलल एक सिस्टम होनी चाहिए डीएनए बिल जो नहीं था। डीएनए बिल का मतलब क्या है? डीएनए बिल का मतलब है कि कोई अनाप शनाप किसी का डीएनए मिसयूज ना कर ले, कोई अनाप शनाप डीएनए का के नाम के ऊपर किसी को पकड़ के जेल में ना डाल दे, उसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा कोई लॉ था नहीं। हालांकि फाइनली वी हैव दिस लॉ अवेलेबल, ठीक है, नाउ अभी तक था नहीं, अब आ गया, ये सुनो अभी आ चुका है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए बिल was, you can say now it is passed in the Lok Sabha, which is very important. So दोस्तों अब इसके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा डेवलप हुआ, ठीक है, कि भैया ये जो डीएनए है, ठीक है, जो प्रीडोमिनेंटली क्रिमिनल ट्रायल में यूज होता है, सिविल केसेस में यूज होता है, कि भाई बच्चा बच्चे के पापा कौन है, ठीक है, उसके लिए डीएनए यूज होता है, ये सुन लो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके की चीजों के लिए डीएनए यूज होता है, ठीक है। अब जब डीएनए का बिल आ गया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कैसे जाएगी। दोस्तों ये बिल बोलता है दैट यू कैन से कंसेंट कौन देगा। दोस्तों कंसेंट के बगैर किसी का डीएनए ले नहीं सकते, ये सुनो, आपको याद होगा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 20 अवेलेबल है
ये सुनो, जिसके अंदर बोला जाता है दैट यू कैन से नो डबल जियो पार्टी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट बी विटनेस इन योर ओन केस. सो डीएनए के अंदर भी वैसा ही है. अगर किसी बंदे के कंसेंट के द्वारा ही आप उसका डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं, देयर इज एक्सेप्शन अवेलेबल. ये सुनो, एक्सेप्शन ये है कि भैया कोई बंदा है ना, कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर से कन्विक्टेड है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू पनिशेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म यू कैन से एक्सीडिंग 14 ईयर्स विच इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो वो एक्सेप्शन है. उस तरीके का क्राइम किया तो कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, पर अदरवाइज कंसेंट लेना है. ये डीएनए बिल ने बहुत अच्छा काम किया, होना चाहिए ऐसी बातें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. यस नो, एट द सेम टाइम डीएनए इज ऑल्सो यू कैन से फोकसिंग ऑन वन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो डीएनए बिल में डीएनए बैंक बनाने के ऊपर बात हो रही है. ठीक है, डीएनए बैंक बनाने के ऊपर बात हो रही है, पर फिर भी ये जो डीएनए बिल है ना, वो इस चीज को इतना सेफगार्ड करता नहीं है. क्यों सेफगार्ड करता नहीं है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि डीएनए बैंक बना दी, ये सुनो, ठीक है, उसका डेटा किसके पास जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसके बारे में क्लैरिटी है नहीं. विच मीन्स जो के पुट्टुस्वामी केस के अंदर बोला गया था आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा राइट टू प्राइवेसी, वो पूरा बर्बाद हो रहा है. ये सुनो, राइट टू प्राइवेसी बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि आपका डीएनए मार्केट में डीएनए बैंक के द्वारा कहीं ना कहीं घूम रहा है. कुछ कम्युनिटी के लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि उनकी डीएनए मैपिंग करके उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है, तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. ये सुनो, प्राइवेसी इश्यूज मस्ट बी एड्रेस, अदरवाइज इन दिस एडवर्सरियल सिस्टम डीएनए बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो पहले हालत बहुत बिगड़ सकती थी और बिगड़ती भी थी, ठीक है, पर अब सिनेरियो बदल चुका है. ये सुनो, डीएनए बिल आ चुका है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब जो आज हमने बात करी, पेप्सिको फूड्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके बीच का जो केस हुआ उससे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकली. ठीक है, हम उस केस में बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से टैक्स पेयर्स के बारे में एक मजेदार सी चीजें पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई. ठीक है, क्या डेवलप हुआ? टैक्स पेयर्स चार्टर. दोस्तों आपने सुना होगा सिटीजन्स चार्टर ऐसा होता है. ये सुनो, व्हाट इज सिटीजन्स चार्टर, सिमिलरली व्हाट इज अ टैक्स पेयर्स चार्टर. दोस्तों टैक्स पेयर्स चार्टर का मतलब है कि भैया जो टैक्स पेयर है उनको सरकार किस तरीके से ट्रीट करेगी और जो टैक्स पेयर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द चार्टर दैट इज अ टैक्स पेयर्स चार्टर सेज दैट आईटी डिपार्टमेंट विल ट्रीट एवरी टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट अनलेस देर इज अ रीजन टू बिलीव अदरवाइज. इफ देर इज नो रीजन टू बिलीव अदरवाइज देन द टैक्स पेयर्स आर टू बी ट्रीटेड एज ऑनेस्ट पीपल. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सिटीजन्स चार्टर है या टैक्स पेयर्स चार्टर है, ठीक है, ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिटीजन्स और स्टेट के बीच में ट्रस्ट का कैसे रिलेशनशिप है, विश्वास का रिलेशनशिप है. अगर स्टेट अपने सिटीजन्स के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ये सुनो, अगर कोई कैसे लोग अगर मोदी साहब के खिलाफ जाकर पोस्टर पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, कि भाई आप हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं देते हो और आप बाहर लोगों को वैक्सीन देते हो और उसके लिए सरकार आके उनको पकड़ के जेल में डाल देगी, तो ये किस बात का एक इनसे ट्रस्ट डेवलप होगा, है ना? ये तो चलेगा ही नहीं. ये तो लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, क्यों आप उनको पकड़ के जेल में डालते हो. ये सुनो, दिस इज रियली नॉट ओके. बराबर है, चलिए. एनीवे, सिमिलरली फॉर द टैक्स पेयर, अनाप शनाप इनकम टैक्स वाले आकर पकड़ के उनको जेल में डालेंगे, उनके अकाउंट सील कर देंगे, ये तो होना नहीं चाहिए. उनको ऑनेस्ट मान के चलना है. दे विल प्रोवाइड फेयर एंड इम्पार्शियल अपील एंड रिव्यू मैकेनिज्म. हु विल प्रोवाइड? इनकम टैक्स. अगर इनकम टैक्स वाले आप हो और मेरा कैसे मेरा कोई केस आपके अंदर फंसा हुआ है, तो अगर मुझे उसको अपील करना है, यू विल गिव मी फेयर अपॉर्चुनिटी.
yes or no? You will collect only the amount due in accordance with law. You will not unnecessarily come after me and capture a lot of money from you, and will provide enough mechanism for lodging a complaint and a prompt disposal of the cases. ये आप करेंगे, yes or no? चलिए great, ठीक है. Taxpayer से भी कुछ उम्मीद होगी ना, ठीक है. They will be honest and compliant. They will respond in time and pay in time, and they can approach taxpayer's charter cell in their zone for compliance to this charter. ठीक है. So एक मजेदार सा taxpayer's charter बना के रखा हुआ है, yes or no? और इसीलिए ये PepsiCo Foods वाला जो केस आया, वहां पे अब जुडिशरी को इस बात को समझना पड़ेगा कि taxpayer charter है, उसके मुताबिक वो जजमेंट दे, ना वो स्टेट के फेवर में दे दे इस तरीके से कि टैक्सपेयर के चार्टर में चला जाए, कि इसके अगेंस्ट में चला जाए, सॉरी, या इसे एसएससी के फेवर में चला जाए ताकि वो टैक्सपेयर चार्टर के खिलाफ हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. आई होप टुडे यू लर्नड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड टैक्सपेयर्स चार्टर. ठीक है, क्या होता है चार्टर, वो मैंने आपको बताया. एक तरफ कुछ तरीके से जैसे आईटी डिपार्टमेंट विल सी देयर टैक्सपेयर इन अ पर्टिकुलर वे, दूसरी तरफ टैक्सपेयर्स विल सी आईटी डिपार्टमेंट एंड दे विल फुलफिल देयर ड्यूटीज. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ग्रेट, ठीक है. अब ये है वैक्स टैक्स वॉर के ऊपर बात हो रही है. क्या है ये वैक्स टैक्स वॉर? आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम है, भले वो वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी हो या इगेंसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इगेंसे स्टालिन साहब हो, ये सुनो, इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि जो आप कोरोना रिलेटेड इमरजेंसी रिलेटेड जो दवाइयां है या वैक्सीन है उनके ऊपर जो आप जीएसटी रखते हो, प्लीज उसको हटा दीजिए. ये सुनो, फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि हम नहीं हटा सकते. क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप अगर कोई वैक्सीन या कोई दवाई बनाते हो तो आप बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज करते हो. ठीक है, बराबर है. कंपनी जब रॉ मटेरियल लेती है, ये सुनो, और ये रॉ मटेरियल लेते 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 फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है, ठीक है, उस फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर से अगर हम जीएसटी हटा देंगे तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फायदा होता था वो नहीं मिलेगा. कैसे नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से एक रॉ मटेरियल था 100 रुपए का, ठीक है, ओके, इसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे किया करीबन लेट अस से 20% का. जब उन्होंने सामान खरीदा तब उन्होंने 20% का टैक्स पे किया, विच हैज बिकम 120 रुपीज. ठीक है, नाउ दे आर एडिंग 80 रुपीज का वैल्यू एडिशन एंड अब वो मार्केट में सामान बेचेंगे 200 रुपए का. ओके, अब 200 रुपए के ऊपर वापस लेट अस अज्यूम कि इनको टैक्स पे करना की जरूरत पड़ रही है करीबन 15% ऑफ 200 इज 30 रुपीज. सो बेसिकली होगा 200 + 30 रुपीज, 230 में इनको बेचना है. पर इन्होंने जो मैन्युफैक्चरर है उसने आगे ये 20 रुपीज पे कर चुका था तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो -20 हो जाएगा इसमें से. अब इसको पे करना है 210 रुपया. समझ आया आपको? ये सुनो, अब वो 210 में मार्केट में बेचेगा. ठीक है, सरकार बोलती है कि अगर हम ये जो जीएसटी यहां से हटा दे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ओवरऑल इसे महंगा होगा. क्यों महंगा होगा? क्योंकि इन्होंने जो प्रीवियस टैक्स पे करा था, ठीक है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा हो गया. ये सुनो, बराबर है. तो ये लोग जानबूझ के ये टैक्स आपके ऊपर ही पास ऑन करेंगे. ये सुनो, अभी तो इन्होंने इनमें से टैक्स माफ कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला. हालांकि, ठीक है, मैंने इसके पहले भी एक बार बताया था कि हम फाइनेंस मिनिस्टर से ये डिमांड नहीं करते हैं कि आप यहां का जीएसटी हटा दीजिए. हम बात करते हैं कि पूरी लाइन में जीएसटी जो लग रहा है ना वो हटा दीजिए. ठीक है ना, तभी तो काम बनेगा ना. जीएसटी हटाने का काम फाइनेंस मिनिस्टर, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इतने भोले होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एंड पॉइंट पे ही आप जीएसटी हटा दीजिए. आप सिर्फ इतनी बात समझ रहे होंगे. ठीक है, गलत बात है ना, ये एक तरीके से गलत है. क्यों गलत है?
सरकार चाहती नहीं है कि उनका एक ऐसे मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, ठीक है। एक तरफ हमारे पैसों से ये लोग वैक्सीन खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ये सुनो, फिर वो टैक्स, ठीक है, उनके अकाउंट में जाता है। सो बेसिकली किस बात का ये लोग क्या क्या घुमा 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 कर ऑन पेपर अपने पास ज्यादा पैसा लगाने के बारे में बात करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इट इज इजंट इट वेरी सिंपल दैट दे कम आउट एंड से नो टैक्स ऑन द जीएसटी वर्ल्ड, सिंपल, इज दैट वेरी क्लियर, ग्रेट, ओके। अगला मजेदार चीज है दोस्तों, ये बात हो रही है रिस्ट्रक्चरिंग ट्राइब्यूनल्स। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज दिस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है। इंडिया ने एक मजेदार सा ऑर्डिनेंस अब पास किया था विच इज नोन एज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, ये उन्होंने लगाया था, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे से ट्राइब्यूनल्स, ठीक है दोस्तों, ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओके, दे आर नॉट फुल जुडिशियल बॉडीज, ओके, दे डिसाइड इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज, जनरली वो पार्टी, एक पार्टी होती है स्टेट और दूसरी पार्टी होती है नॉर्मल सिटीजन्स, उनके बीच में कभी डिस्प्यूट हुआ सो पीपल जनरली कैन गो टू दी ट्राइब्यूनल, बराबर है। एक उसमें से ट्राइब्यूनल था फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, FCAT करके एक बॉडी था, इसको भी इन्होंने ऐसे निकाल दिया। इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग में कितने ट्राइब्यूनल चले गए बताइए दोस्तों, ठीक है, ये ढूंढ के बताइए, ठीक है। ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जहां पे ऐसा डिस्प्यूट हुआ तो ये लोग एक तरीके से ट्राइब्यूनल के द्वारा अपना जजमेंट दे देंगे, ये सुनो, इस जजमेंट को आप अपील कर सकते हो, हाँ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनो, जब आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो आपको लगता है कि केस करना है, आप कर सकते हो, तो आप जाओगे सेंट्रल एपेलेट ट्राइब्यूनल CAT के पास जाओगे, ये सुनो, ठीक है, बराबर है, चलिए ग्रेट, तो बात तो बराबर है। पर अब इन्होंने इसको पूरा निकाल दिया, उन्होंने बोला कि अब ऐसे जो भी केसेस होंगे वो जाएंगे सीधे कोर्ट के पास, ठीक है। जब ट्राइब्यूनल बनाए गए थे तब ऑब्जेक्टिव ये था कि जुडिशरी के पास बहुत सारा लोड है, वो लोड इसे रिड्यूस करे, कैसे रिड्यूस करे, हम ऐसे ट्राइब्यूनल बना देते जिनका काम होगा स्पेशल केसेस के ऊपर वो जजमेंट दे, जैसे फिल्म के लिए, फिल्म अपने आप एक स्पेशल कैटेगरी है और उसके लिए अलग से हम रूल बनाएंगे, अलग से उसका ट्राइब्यूनल होगा, ये सुनो, अब उन सबको हटा दिया क्योंकि अब ये बोलते हैं हम रैशनलाइज करना चाहते हैं, रैशनलाइज करने में कोई बुराई नहीं है, पर अब करना क्या चाहिए इनको, एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन लगाना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि जैसे जितने भी ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, सभी ट्राइब्यूनल्स एक मेन ट्राइब्यूनल में आ जाने चाहिए एंड दे आर एबल टू मैनेज द एंटायर सिस्टम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ग्रेट, ठीक है दोस्तों, ये आप समझिएगा। NTC आने की जरूरत अभी तक आया नहीं है, पर इसके बारे में दुनिया में डिबेट हो रही है। इसराइल बड़ा हल्ला कर रहा है, आई एम श्योर यू नो दिस, इसराइल ने जैसे गाजा के ऊपर अनाप शनाप अटैक करना चालू कर दिया है और हमास के चीफ के होम के ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया है। हमास एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा में बैठे बैठे काम करता है, ये सुनो, पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द रियल रीजन व्हाई दिस फाइट इज हैपनिंग। दोस्तों ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसकी वजह से ये इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में ये लड़ाइयां हो रही है बताइए दोस्तों, पुट दैट इनटू कमेंट सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरीके से यहां चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, पीस टॉक के बारे में बातें करेंगे पर कुछ करेंगे नहीं, ये सुनो, हाँ, सिर्फ ऐसी बातें करते रहते हैं, ये सुनो, UN सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर एंड टू वायलेंस इन गाजा, ठीक है, ओके, एंड गाजा में बड़ी लड़ाइयां हो रही है और ये लोग बोलते हैं कि रोक दीजिए। इजराइल आर्मी, तो अब तो आर्मी, पहले तो सिर्फ मिसाइल भेज रहे थे, अब आर्मी खड़ी हो गई है वहां पे, है ना, 3,000 लोगों की आर्मी वहां पे खड़ी हो गई है,
एक तरीके से ये तो वॉर पे ही तैयारी हो रही है, क्या करेंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, इसको हम देखते रहेंगे कैसे डेवलप होता रहता है इस बात को। ठीक है, और अब ये देखते हैं इन सर्च फॉर अ जॉब, जॉब्स मार्केट में है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, जॉब है कि नहीं, दो पैरामीटर है, एक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मजेदार सा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और दूसरा होता है लेबर पार्टिसिपेशन रेट। LPR बोलते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन रेट। लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, विच मीन्स यू कैन से मोर एंड मोर पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी, इधर फॉर सीकिंग अ जॉब और दे आर गेटिंग अ जॉब, इफ यू आर पॉजिटिव। इफ यू आर नेगेटिव, मतलब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू कम इन द लेबर मार्केट, दैट इज कॉल्ड लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ये पहला ग्राफ जो आपको दिख रहा है, दिस इज अबाउट लेबर पार्टिसिपेशन रेट, और ये जो लाइन है दैट इज अ जीरो लाइन, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। नेगेटिव में मेघालय, तेलंगाना, ठीक है, हिमाचल, बिहार, आसाम, ये तरीके के स्टेट है। सबसे बुरा हालत आसाम के अंदर है, ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट काफी बुरा है, ठीक है, विच इज से 2 to 2 and 2 to 2 an extent of 39%, ठीक है, 39% जितना गिरा हुआ है, मतलब बुरी बात है। इतने सारे लोग दे आर नॉट एबल टू बी पार्ट ऑफ द जॉब मार्केट। देन कम्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, जितना से पॉजिटिव साइड पे है, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव, मतलब बुरा है, ये सुनो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है मतलब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, पॉजिटिव है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। कहां पे हालत खराब है? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, झारखंड, हालत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, मतलब वहां के लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, नौकरी में नहीं है वो, ठीक है। कितना है? हरियाणा हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 35%, ठीक है, एंड दिस इज द बिगेस्ट इंक्रीज सिंस जनवरी। मतलब इफ यू आर यूथ एंड यू आर इन हरियाणा, आई एम श्योर you may be one of that guy who may be watching this video and who has not got a job or who has lost a job in last 6 to 8 months time. This is really a bad idea. Okay, chaliye, great dosto. So with this, I'm closing this module. I hope this is very clear to you. Aapko ye baatein samajh mein aa rahi hogi. And if you like this video, do not miss out to like our video, subscribe to our channel, tell to large number of people to be part of Pro Talent, and do not miss out to, you can say, be part of this course called CLAT 2022. I hope this is going to be very useful course for you. Okay, thank you and all the best.